चलिए ये क्वेश्चन का सबसे पहले वर्ड्स को जो लैंग्वेज है ना उसको पकड़ने का कोशिश करिए। ये कह रहा है कि इफ़ टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट इच अदर, तो सबसे पहले ये बोला कि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो दो लाइन को आप इंटरसेक्ट करा दो, जैसे ये हो गया और ये हो गया। मान लो एक एल लाइन था और एक एम लाइन था, वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया हुआ है। तो कह रहा है कि अगर ये इंटरसेक्ट कर रहा है इच अदर तो प्रूफ करो, देन प्रूफ दैट रे अपोजिट टू द बाइसेक्टर ऑफ वन ऑफ द एंगल सो फॉर्म्ड बाइसेक्ट द वर्टिकल अपोजिट एंगल, है ना। कहने का मतलब ये है कि जैसे एक कोई भी एक एंगल ले लो, जैसे मान लो कि हम ये एंगल ले लिए, तो कह रहा है कि अगर इस एंगल को अगर कोई हमारा रे बाइसेक कर रहा है, अगर कोई रे हमें बाइसेक कर रहा है, मतलब ये एंगल अगर एक्स है तो ये भी एक्स है दिया गया है, क्योंकि ये बाइसेक्टर मान लो वन है। तो कह रहा है इस बाइसेक्टर को उल्टा बढ़ाओगे ना पीछे की तरफ तो ये जो एंगल बनेगा ना उसको भी वो बाइसेक करेगा। मतलब ये हुआ कि अगर अगर ये एंगल वाई हुआ और ये एंगल जेड हुआ तो आप प्रूफ करो कि वाई और जेड भी आपस में बराबर होगा। क्वेश्चन समझे कि नहीं समझे? क्वेश्चन समझे कि बोला कि अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट किया है, इफ टू स्ट्रेट लाइन बाई इंटरसेक्ट इच अदर देन प्रूव दैट रे अपोजिट टू द बाइसेक्टर ऑफ वन ऑफ द एंगल, वन ऑफ द एंगल है ना, वन ऑफ द एंगल जो बन रहा है उसके बाइसेक्टर्स को अगर हम अपोजिट की तरफ बढ़ाएं, अपोजिट की तरफ, तो वो क्या करेगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल को बाइसेक करेगा। तो जरा बताओ कि ये जो एंगल है इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल तो यही ना है, तो ये बोल रहा है कि इसको बाइसेक करेगा, ये प्रूफ करो। जबकि दिया क्या है कि ये एंगल बराबर है, तो आसान है प्रूफ करना, प्रूफ करना आसान है ना। हम क्या लिखेंगे प्रूफ में, गिवेन विवेन तो आप लिख ही लोगे, हम प्रूफ में क्या लिखेंगे, हम प्रूफ में ये लिखेंगे कि टू ऑफ एंगल एक्स, टू ऑफ एंगल एक्स जो होगा वो एंगल वाई प्लस एंगल जेड के बराबर होगा। सही बात है ना, क्योंकि वो वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो अगर पूरा एंगल 2x ले लिया जाए तो ये y और z को मिला के उसके बराबर होगा, और ये जो 2 ऑफ x है, ये जो है 2 ऑफ x है, वो हम क्यों 2 ऑफ x लिए हैं, क्योंकि ये x और ये x मिलेगा। बात समझ रहे हो? बोलो। अब ये तो मान लो हमको बराबर दिया गया है वर्टिकल अपोजिट एंगल से, ये हो गया तय, लेकिन हमको क्या प्रूफ करना है, हमको तो प्रूफ करना है कि एंगल वाई जो होगा वो एंगल जेड के बराबर होगा। तो अब सोचो कि अगर इस एंगल को बाइसेक्टर करने वाला एक लाइन है मान के चलो। अच्छा एक और बात बताओ, इसको अगर इस एंगल को तुम एम मान रहे हो तो ये एंगल भी एम होगा कि नहीं होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल से बराबर होंगे, कोई दिक्कत? अब अगर ये बी वन है और इसको बी टू मान ले रहे हो तो बी वन बी टू क्या है, बी वन बी टू क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है ना, बी वन बी टू क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि सिंस सिंस ओ बी वन इज अपोजिट टू ओ बी टू, ओ बी वन जो है वो ओ बी टू के अपोजिट है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बी वन ओ बी टू इज अ स्ट्रेट लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना। बी वन ओ और बी टू ये पूरा अगर ले लिया जाए तो वो एक स्ट्रेट लाइन है। तो जब वो एक स्ट्रेट लाइन है तो उस स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनेगा, इधर की तरफ से देखना, यहाँ से लेके यहाँ तक देखो कितना होगा बताओ, एंगल एक्स प्लस एंगल एम प्लस एंगल, या फिर भैया ये तो आसान हो गया ना, उसको करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर वो एक स्ट्रेट लाइन है तो ये हम कह सकते हैं ना कि ये वाला जो एंगल एक्स है वो ये वाला जेड के बराबर होगा। बोलो, बात समझ रहे हो? थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाते हैं, क्लियर हो जाएगा। जैसे ये लाइन और ये लाइन काट कूट किया हुआ था,
अब इसका जो एंगल है ये इसी को पीछे की तरफ आप बढ़ाए हुए हो, और ये एंगल को x बोल रहे हो, ये एंगल को x बोल रहे हो, काहे कि बाइसेक्टर था। अब बताओ कि अगर ये b1 हो गया और ये आपका b2 हो गया, तो b1 b2 तो एक स्ट्रेट लाइन था, और उसी तरह से ये जो l है लाइन और ये m लाइन है वो भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो l लाइन और m लाइन से जो ये वर्टिकल अपोजिट बनेगा, इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल ये बनेगा, और इस एंगल x का वर्टिकल अपोजिट ये बनेगा। तो इस x के लिए तुम इसको y मान लो या इसको z मान लो, तो तुम ये कहोगे ना कि एंगल z जो है वो एंगल x के बराबर होगा, एंगल z जो है वो एंगल x के बराबर होगा। कैसे? तो वर्टिकल अपोजिट एंगल फॉर लाइन L लाइन हो गया और B1 O B2 एक स्ट्रेट लाइन है, तो दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल हुआ X का Z, तो इसीलिए एंगल X जो है एंगल Z के बराबर होगा। उसी तरह से हम लिख सकते हैं कि एंगल Y जो है वो भी एंगल X के ही बराबर होगा। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल किसका है? तो ये देखो, ये M लाइन था इधर की तरफ देखो, और ये B1 O B2 लाइन था ये देखो, तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हुआ कि नहीं इसका, यहाँ से यहाँ तक हुआ ना। तो ये x जो है वो y के बराबर है। तो अब दोनों का आर्चिस को अगर देखा जाए, इस इक्वेशन वन का और इक्वेशन टू का, तो दोनों x बराबर था क्योंकि बाइसेक्टर था वो। तो इसीलिए हम क्या लिख देंगे कि फ्रॉम वन एंड टू एंगल z बराबर एंगल y। समझ में आया? बोलो। तो बस यही करना था इसमें, है ना, यही करना था इसमें। प्रिंट कर लीजिए। और कौन से क्वेश्चन में दिक्कत है?